हेलो एवरीवन, तो आप सब कैसे हो। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कच्चे केले का बहुत ही टेस्टी कोफ्ता करी बनाएंगे, बिल्कुल नर्म और मुलायम। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखिए हमने केले लिए हैं, कच्चे केले लिए हैं। तो अब हमें इसे देखिए सबसे पहले कुकर में रख कर बॉयल कर देना है। तो देखिए कुकर में डाल दिए हैं और इसमें हम पानी डाल देते हैं एक गिलास, छोटे वाले गिलास से। इसके बाद इसका कुकर का ढक्कन लगा देंगे और गैस पर देंगे। एक सीटी देने के बाद गैस लो कर देंगे। तो देखिए 5 मिनट बाद हमने कुकर से निकाल दिया है और ये केले बहुत ही अच्छे से देखिए बॉयल हो गए हैं। केले के छिलकों को हम अलग कर देते हैं। केले के छिलके देखिए निकाल दिए हैं। इसमें हम 2 बड़े कप बेसन डाल दे रहे हैं। इसके बाद इसमें हम मसाला 1/2 चम्मच मिक्स गरम मसाला, 2/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच लाल पाउडर। अब इसे बेसन में हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जैसे आपको बेसन की आवश्यकता थोड़ा बहुत पड़ रही है तो आप डाल सकते हैं। तो देखिए स्टफिंग बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब गोल गोल देखिए इस तरीके से लड्डू बना लेंगे। तो देखिए हमने इधर तेल भी रख दिया था गर्म होने के लिए और यहाँ पर हमने लड्डू बनाकर जितने भी थे सारे तैयार कर लिए हैं। तो इस तेल में हम फटाफट फ्राई कर लेते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम करना है, बहुत ज्यादा हाई नहीं तो ऊपर से ब्राउन हो जाएगा, अंदर से अच्छे से नहीं पकेगा। तो इसे फ्राई करने में हमें 4 मिनट लगे हैं, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया। तो इसे निकाल लेते हैं। इसी पैन में हम 1 चम्मच तेल बचा लिए हैं। तो इसमें देखिए खड़े मसाले, इलायची, लवंग, दालचीनी और यहाँ पर 2 इंच अदरक, ढेर सारे लहसुन की कलियाँ, 2 मीडियम साइज के प्याज, 3 मीडियम साइज के टमाटर जिसे हम बारीक काट लिए हैं। तो देखिए इन सारे चीजों को इसमें हम डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। नमक और हल्दी से बहुत ही जल्दी प्याज टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसे 2 मिनट इस तरीके से ढक कर पकने देते हैं। तो लीजिए 2 मिनट में बहुत ही अच्छे से टमाटर प्याज सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसे अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो इधर देखिए हमने कढ़ाई ली है, इसमें हम 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दिए हैं और जो प्याज और टमाटर का ये मिक्सी के जार में पेस्ट है इसमें डाल देते हैं और इसे खूब अच्छे से गैस का फ्लेम मीडियम करके खूब अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए इसमें हम मसाले डाल देते हैं। तो मसाले में हम 1 चम्मच मिक्स गरम मसाला ऐड कर रहे हैं, 1/2 चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच लाल पाउडर। अब इन सारे चीजों को खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले जो है बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। तो इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। पानी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, अगर आपको ज्यादा ग्रेवी पसंद है तो पानी और ज्यादा डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद जो हमने फ्राई करके रखा है अब इसमें हम डाल देते हैं और इसे डालने के बाद इसे हम ढक कर 2 मिनट और कुक करते हैं। ये ढक कर इसे हम 2 मिनट पकाए हैं। 2 मिनट में बहुत ही अच्छे से पक गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। कच्चे केले का बिल्कुल नए और अनोखी तरीके से कोफ्ता करी बनकर रेडी हो गया है। तो एक बार इस नए तरीके से कच्चे केले का कोफ्ता जरूर बनाइएगा, बहुत ही पसंद आएगा और देखिए कितना ज्यादा ये सॉफ्ट है। तो चलिए एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप सबसे।